इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। आदाब नाजरीन, आज का उन्वान बड़ा तीखा सा है लेकिन कड़वा सच है। इस्लाम में खाइद या लीडर को इंतखाब करने के लिए जो सही तरीक़ेकार है वो है तकवे और अखलाक के बुनियाद पर। लीडर के इंतखाब में इस्लाम में न रिश्तेदारी देखी जाती है, न दौलत, न दबंगरी। खुलफाए राशिदीन और हमारे कई असलाफ की मिसालें हमारे पास मौजूद हैं कि कैसे ऊंचे अखलाक और किरदार वालों के ही आला मुकाम के लिए मुंतखब किया जाता था। जमहूरी या डेमोक्रेटिक निज़ाम में भी हमें नुमाइंदों को अगर इंतखाब करना है तो भी तकवे और अखलाक के बुनियाद पर करना है कि कौन इन तमाम नुमाइंदों में से बेहतर नुमाइंदा कौम और मुल्क के लिए बेहतर हो सकता है। वोट देते हुए अवाम को ये समझना भी ज़रूरी होता है कि वोट देना भी एक शहादत है और गवाही है कि इन तमाम नुमाइंदों में से कौन बेहतर है जो अवाम के लिए बेहतर तरीके और अखलाक इखलास के साथ काम कर सकता है। वोट देते हुए ये भी जानना ज़रूरी है कि वोट देना एक गवाही है, एक शहादत है, और झूठी गवाही देना या वोट बेचना यानी गवाही बेचना गुनाह है जिसका खमियाजा हमें दुनिया और आखिरत दोनों में भुगतना पड़ता है। कुछ लोग सिर्फ चंद रुपये के खातिर अपना और अपनी आने वाली नस्ल का फ्यूचर बर्बाद करते हैं। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस वोट बेचने की बुराई में मुसलमान भी बहुत हद तक आगे जा चुके हैं। ये उस कौम का हाल है जिस कौम को दुनिया में इखरा का सबक देके भेजा गया है। ये उस कौम का हाल है जिस कौम की जिम्मेदारी अमर बिलमारूफ और नहीं अनिल मुनकर की है, यानी अच्छाई की दावत देना और बुराई से रोकना है। कोई ऐसा खित्ता या कोई ऐसा इलाका ऐसा नहीं है जहां पर मुसलमान बड़े पैमाने पर मुलविस नहीं हैं। ना समझ और आम आवाम मुसलमान के साथ साथ दानिश्वर और दीनदार तबका भी बुरी तौर पर ये घटिया काम में लगा हुआ है। अजीब अजीब और निराले निराले तरीके इलेक्शन में भीख मांगने की हैं, जैसे मुझे नहीं चाहिए, ये तो लड़कों के लिए चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। देखा जाए तो इलेक्शन में खर्च ही किस बात का आता है। अवाम को जाना है और सही इंसान को वोट ही तो डालना है। अच्छा, वोट बेचते भी हैं तो कितने में? 500, 1000 या 2000? इससे ज़्यादा तो एक आम इंसान फ़कीर को देता है। मान लीजिए एक इंसान कमोबेश 10 रुपये रोज़ाना भीख देता है तो महीने का हुआ 300 रुपये। कभी दिया कभी नहीं दिया तो एवरेज महीने का मान लीजिए 100 रुपया। इस तरह साल का हो गया 1200 रुपये और 5 साल का हो गया 6000 रुपये। जितना 5 सालों में एक आम इंसान भीख में देता है उससे भी कई गुना कम में इंसान अपना ओड़ बेच रहा है, जिसकी वजह से खुद का, अपनी औलाद का, अपने इलाके का और देश का फ्यूचर बर्बाद कर रहा है। इलेक्शन लड़ना अब महंगा मरहला बन गया है। अगर कोई शख्स करोड़ों खर्च करके इलेक्शन लड़ता है तो वो क्यों खैर के काम करेगा? उसको तो कई गुना फायदे समेत अपना पैसा निकालना है। अगर कोई नुमाइंदा पैसा देकर इख्तदार हासिल करता है तो वो याद रखता है कि उससे कौन कितने रुपए लूटा हुआ है। वो नुमाइंदा नुमाइंदे के निगाह में गिरा हुआ रहता है। उस शख्स के काम करना तो दूर की बात, उसकी कौम को भी उसकी गलती का खमियाजा भुगतना पड़ता है। अगर आज अच्छे खायद या नेता का फुकदान है तो उसके जिम्मेदार हम सब हैं, क्योंकि
इलेक्शंस को हमने इतना महंगा कर दिया है कि कोई अच्छा शख्स इंतखाब लड़ना सोच भी नहीं सकता। इस बुराई के जितने जिम्मेदार आम अवाम हैं उससे कई गुना ज्यादा जिम्मेदार दानिशवर और दीनदार हजरात होते हैं, क्योंकि ये जानने के बावजूद कि कितना बड़ा नुकसान वजूद में आ रहा है फिर भी हम तमाशाई बने हुए हैं और बास लोग तो इस बुराई में शरीक भी हैं। अक्सर ये मुशाहिदा रहा है कि बास मुसलमानों की जिल्ली और रियासती तंजीमें पार्टियों के सपोर्ट के ताल्लुक से हर 5 साल में शिद्दत से फाल या सक्रिय हो जाती हैं, पर इस गंदी बुराई को दूर करने के लिए कोई पहल नहीं होती। चाहिए कि इस गंदी बुराई को दूर करने के लिए कड़ी कोशिश की जाए और ऐसा माहौल बनाया जाए कि कोई भी इस बुराई का इर्तिकाब करने में कड़ी शर्म और घिन महसूस करे। वैसे ये मुश्किल काम भी नहीं है, वैसे और भी होंगे, पर मैं एक मोहल्ले की ऐसी जमात को भी जानता हूँ जो किसी उम्मीदवार से पैसा नहीं लेते और खर्च खुद बर्दाश्त करते हैं, जिसका फ़ायदा ये होता है कि अपने काम बड़े इज्जत और एहतराम के साथ करवा लेते हैं। मेरी तमाम मुल्क के दानिशवरों और जिम्मेदारों और अवाम से गुजारिश है कि गंभीरता से इस बुराई की तरफ ध्यान दें और इसे रोकने के लिए आगे बढ़ें, क्योंकि इसी में सबकी और देश की भलाई है। आज बस इतना ही है, आगे और अलग अलग अनुवान के साथ आपके सामने रूबरू होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।